नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं मीनाक्षी जोशी। कहते हैं हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है, अगर पेट खराब तो शरीर खराब और पेट हिट तो बॉडी फिट। लेकिन यह भी सच है कि पेट का रास्ता जुबान से होकर गुजरता है। अगर जुबान पर कंट्रोल ना हो तो पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक बीमारी है अल्सर, जिसे अगर नजरअंदाज किया तो वो कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। हुसैन, दरअसल अल्सर पेट, आंत और फूड पाइप में होने वाले घाव हैं, जो एसिडिटी, गलत खान पान, स्मोकिंग और कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं। कई बार अल्सर एच पाइलोरी नाम के इन्फेक्शन से भी होते हैं। वजह जो भी हो, जब बार बार सीने में जलन हो, ब्लीडिंग होने लगे, पेट में दर्द की शिकायत बराबर बनी रहे और वजन तेजी से घटने लगे तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है, एहतियात जरूरी, लेकिन डरने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योग और आयुर्वेद में अल्सर का अचूक इलाज है, जिससे एक दिन में पेट के जो जख्म है, पेट के घाव से होने वाली जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है और अल्सर का 100% इलाज भी हो सकता है। और ये चमत्कार होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज मिट्टी और पानी से अल्सर का इलाज करके आपको दिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये क्या कूट रहे हैं आज आप, शुरुआत किस चीज से हो रही है? गुलाब जल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कौन सी चीज क्या है आज? ये इसके अंदर मोती पिष्टी है, तो मोती को ऐसे पूरा घोटते हैं और घोट घोट करके ये मोती एकदम पेस्ट हो जाएगा, तो समय लगता है इसमें। तो ये मोती पिष्टी कितना ही भयंकर घाव हो, अंदर अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उसमें रामबाण का काम करती है। तो भस्म, पिष्टी, रस, रसायन, पाक, चूर्ण, आलेह, अलग अलग जड़ी बूटियां और मिट्टी पानी से ही हमारे पूर्वजों ने इलाज किया, यही प्राकृतिक चिकित्सा थी। तो एक तो ये मोती पिष्टी का था, और ये प्रयोग तो बाद में मैं पूरा बताऊंगा जी। आप यहाँ पर जिनको देख रहे हैं, इनके अभी हम पेट पर मिट्टी रख रहे हैं। अब ये पेट के ऊपर जो मिट्टी रखते हैं, ऐसे एक मिट्टी की को अंदर से पूरी उसकी पट्टी बना करके, मिट्टी पट्टी इसको कहते हैं, वो पेट के ऊपर, वो इनके छोटा पेट है तो छोटी पट्टी, बड़ा पेट है तो बड़ी पट्टी। अब इसका पेट बड़ा है तो बड़ी पट्टी रखनी पड़ेगी, तो ये ऐसे पेट पर रख दी। अब ये मिट्टी की पट्टी रखने से जो पेट के अंदर घाव होते हैं वो हील होते हैं। मिट्टी वो टीबी से लेकर के भयंकर पेट ऐसे घाव जो हो जाते हैं बाहर पैरों में, उनको हम ठीक करते हैं, और अंदर के घाव ऊपर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, और माथा भी ठंडा रहे तो ये माथे के ऊपर रख देते हैं। और कितनी देर ये पट्टी लगा के रखनी होती है स्वामी जी? ये आंखें बंद रखो, तो ये जो पट्टी है ये करीब करीब 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक लगा देते हैं। फिर ये तो मिट्टी की पट्टी है, और ये घर में भी कोई भी लगा सकते हैं, और ये ठंडे गर्म पानी की पट्टी करते हैं। तो ये एक तो ये ठंडा पानी, इसमें देखो आइस डाली हुई है, ये आइस के साथ है, तो ये आइस के साथ भी ऐसे घर में ही कोई एक रुमाल लेकर के, और उस रुमाल को भिगो दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर भिगो के उसको थोड़ा निचोड़ देते हैं, और निचोड़ करके और फिर इसको पेट के ऊपर लगा लेते हैं। इसके ऊपर फिर कोई जो है सादा जो कपड़ा होता है उससे उसको ढक लेते हैं, और ऐसे ये पानी की पट्टी ऐसे पेट के ऊपर रख, क्या इससे एसिडिटी भी खत्म हो जाती है स्वामी जी? भाती भी कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये भी आधा घंटे तक ऐसे ही रखना है। अब इसको ठंडा पट्टी लगाई, अब इसको ऊपर से ऐसे ढक दिया, तो अब इसके ऊपर कोई ऐसे ये भी आधा घंटे तक लगा के रख सकते हैं। ये जिनको पेट में अल्सर होता, घाव होता, उनके लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। ऐसे ही स्वामी जी, मतलब नेचुरोपैथी का ये जो टेक्निक है, ये एलोपैथी ने ले लिया है। हॉट पैक और आइस पैक जो है वो एलोपैथी में भी आजकल बहुत आजमाए जा रहे हैं। तो हुसैन स्वामी जी, क्यों ना 30 मिनट, जब तक इन लोगों के ऊपर ये नेचुरोपैथिक इलाज हो रहा है, हम योगाभ्यास कर लेते हैं, अल्सर को खत्म करने वाला योगाभ्यास।
और आज तो शुरुआत में आपने सस्पेंस भी छोड़ दिया स्वामी जी, जो आखिर में हम जिसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे, रिजल्ट दिखाएंगे जिसका, मोती को पीसने वाला जो रिजल्ट था। हाँ, ये सच है कि ये जो चिकित्सा पद्धतियां हमारी जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने हमें बताई हैं, इनके जबरदस्त लाभ होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि हम योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह से ठीक से समझ लें, तो ऐसे ऐसे रोग जिनके बारे में हमारे मन में ये आ गया है कि ये तो अभी मिटेगा ही, आज ऐसी चमत्कारी औषधियाँ, संजीवनी बटी, दूधी घास और ये मिर्ची जिसको अक्सर लोग कहते हैं इससे तो अल्सर ही हो जाता, उससे भी आप अपने अल्सर को कैसे कंट्रोल और क्योर कर सकते हो वो भी हम बताएंगे। तो शुरुआत हम कर देते हैं आसनों से। मंडूक आसन, सबसे पहले अंगूठा अंदर अंगुलियां पर, मुठ्ठियां बंद, आगे झुक जाते हैं। आज हम एक ही दिन में कैसे अल्सर पर, अल्सरेटिव कोलाइटिस पर और भयंकर एसिडिटी पर कंट्रोल पाए, उसका एक एक बिंदु में सबके बीच में रखने वाला हूं। और कोई भी बात हम खाली पढ़ी पढ़ाई लिखी लखाई सुनी सुनाई ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जी। कितना ही भयंकर एसिडिटी का प्रकोप हो, अभी मेरे साथ कुछ को तो आप यहाँ देख रहे हैं, इनको सच में अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, इनको भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जख्म हो रखे इनके, ऐसे ऐसे रोगी बैठे हैं ये जो आप मेरे दाएं बाएं तरफ देख रहे हो सब, और इनमें काफी काफी अच्छे भी हो चुके हैं। अभी 3 से 7 दिन के अंदर ही ये मंडूक आसन, ऐसे एक एक आसन एक एक मिनट करके 5 मिनट करना है मंडूक आसन, ऐसे बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर मंडूक आसन ये ऐसे भी करना है। और पहले ही दिन हम इनको, अब मैं कुछ 5-7 बड़ी बातें बता देता हूं, विस्तार से आगे उनको बताएंगे जी स्वामी जी। योगासन जो अभी हम बता रहे हैं आराम आराम से करना, 1 मिनट तक करना है एक आसन, जरा 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूं। पहले ही दिन से दूध, मीठा और तीखा तला सब बंद कर देते हैं, साधारण खाना देते हैं उनको, और लौकी, वीट ग्रास, गेहूं का जवारा और एलोवेरा का ताजा रस पिलाते हैं इनको। एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी पहले ही दिन पीने से एसिडिटी कंट्रोल और 1 से 2 सप्ताह में एसिडिटी क्योर। जिंदगी भर एसिडिटी की दवा खाते हैं, एसिडिटी ज्यादा होती है तो अल्सर, अल्सर के बाद फिर कोलाइटिस, कोलाइटिस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसमें फिर लोगों को स्टीराइड तक देना पड़ता है। यहाँ जो ये आप भी करो बेटा, मेरे साथ साथ करो बहनों, मंडूक आसन करो। ये स्टीराइड खाने वाले पेशेंट हैं जो आप मेरे यहाँ देख रहे हो दाईं तरफ, ये जो सफेद बनियान में यहाँ बेटी बैठी है, इसके बगल में बैठे हैं, ये स्टीराइड खा खा करके आए हुए हैं यहाँ पर, स्टीराइड देते हैं एलोपैथी में, और स्टीराइड से फिर आते हैं, फिर लीवर, फिर पेन क्रियाज गड़बड़ हो जाता है, डायबिटीज तक हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। मंडूक आसन 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है। फिर अगला शशक आसन, इसमें एक मेरे सामने घास खड़ी है, ये देखो येरी, ये जो है दूधी घास है, हमने यहाँ दूधी और एक ये संजीवनी घास है, ये संजीवनी घास, ये 2 तरह की दूधी है, ये दूधी, ऐसे 3-4 तरह की दूधी होती है, ये दूधी घास, और बहुत कुछ बताने वाले अभी, ये पिलाते ही 1 मिनट के अंदर मंडूक आसन ऐसे 3 से 5 बार करना है, ऐसे पेट के अंदर ये दवाई गई और ब्लीडिंग बंद, इतना जबरदस्त मंडूक आसन। फिर शशक आसन, ऐसे ही शीशम, सारा देश जानता है शीशम, बेल और पीपल, शीशम बेल और पीपल के पत्ते पीने से
कितनी भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो अल्सर के कारण से, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण से, अंदर जख्म हो गए, उनको हील करने के लिए तीन तरह के घरेलू उपचार मैंने बता दिए अभी, पीपल, शीशम, बेल के पत्र, दूधी और संजीवनी घास अभी मैंने बताई आपको, इसको आज लास्ट में इसको कैसे जूस बना के पीना है वो भी बताएंगे, लौकी, एलोवेरा और वीट ग्रास अद्भुत लाभ करते हैं। ऐसे मंडूकासन और शशकासन जिनसे बन पाए वे योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, आराम आराम से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, योग मुद्रासन भी ऐसे ही। वज्रासन में बैठ के करते हैं तो मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के करते हैं तो योग मुद्रासन, आराम से करें। खाली अल्सर एसिडिटी के लिए नहीं, ये डायबिटीज के लिए भी है, ये पेट के लिए भी है, नाभिधारण डिग जाती है उसके लिए भी है, इंडाइजेशन के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, पायस फिसल फिस्टूला के लिए भी है। माने पेट तो सभी का ठीक होना चाहिए, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। अच्छा पेट स्वामी अपसेट जी, तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। अगली बात जी, जी स्वामी जी, जो जो एसिड जो है खाना पचाने के लिए काम करती है, वही एसिड आखिर आदमी को कैसे नुकसान करने लगती है और उसकी शुरुआत कैसे होती है अल्सर की? अब देखो, हमारे पेट में ऐसा एसिड होता है, यदि हम अंगुली डाल देना तो नाखून और अंगुली हमारी जल जाएगी, इतना तेज एसिड होता है सामान्य रूप से। और जब वो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है, नींद पूरी न आने से, गुस्सा करने से, पानी कम पीने से, तीखा तला ज्यादा खाने से, एक्सरसाइज कम करने से और ज्यादा अल्कोहल आदि पीने से। किसी किसी के जेनेटिकली वीक होती आते हैं और जेनेटिकली पित्त प्रकृति होती है, प्रधान एक कोई प्रकृति होती है वहां तब पित्त या कफ, पित्त प्रकृति और कुछ खाने पीने में असावधानी हुई, पित्तवर्धक पदार्थ खा लिए तो पहले पित्त बढ़ता है, बाद में इतना ज्यादा बढ़ जाता है अंदर घाव कर देता है। अब देखो पैर सीधे, अब अर्धमत्स्येंद्र आसन, बाएं पैर पहले मोड़ा दाएं उसके बाहर रखा, या फिर वक्रासन करेंगे। मैंने आपको तीन उपाय पहले बता दिए जी, किसी भी कारण से, खान पान के कारण से, दिनचर्या गड़बड़ होने से, गलत हैबिट्स के कारण से, प्रकृति कोई जेनेटिक रीजन है उसका, उसके कारण से हो रहा है, तो फिर उसमें फिर हम अनार खिलाते हैं। अनार जो है कितना ही भयंकर जो है घाव हो अंदर उसको भर देता है, और ये औषध है अल्सर की, औषध है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ये बहुत जबरदस्त है। खाने से पहले सलाद, अंकुरित और अनार जरूर खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में सेव भी ले सकते हैं, मुनक्का अंजीर भिगो के खाते हैं वो भी उसमें लाभ करता है, लेकिन ये अनार तो एक अनार सो बीमार। सबसे बड़ी बात इसकी यह कि एसिडिटी से लेकर के, अल्सर से लेकर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के, पूरे इंडाइजेशन को ठीक कर देता है। इसलिए अनार ये एसिडिटी वालों के लिए, अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो अंदर घाव और उसके बाद ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बहुत बुरी हाल हो जाती है। हम दूध घी, अभी मैंने बोला था बंद कर देते हैं दूध घी और मीठा, तो उसको तक्र पिलाते हैं, ये तक्र है छाछ है, तो छाछ पिलाते हैं, ये साधारण बातें बता रहा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन तो सब नहीं कर पाएंगे, तो वक्रासन ही कर लें, वक्रासन से ही काम चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई, अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो जैसे मोती पिष्टी में बता रहा था, ये मोती पिष्टी हम ऐसे ही बना करके तैयार करके देते हैं, ये मोती पिष्टी, लेकिन मोती पिष्टी मुक्ता पिष्टी हम इसको बोलते हैं, ये खिला देते एकदम से घाव भर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद तो ये स्थिति हो जाती है, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है और बाद में ब्लीडिंग भी होने लगती है उसके साथ। तो कुटजारिष्ट चार चार चम्मच और कुटज घनवटी और चित्रकादी बटी दो दो दे करके, चार चार ये गोली होगी, कुटज घनवटी दो दो और चित्रकादी बटी दो दो ये खाने के बाद दे देते, और कुटजारिष्ट चार चम्मच दवा, चार चम्मच पानी पिला देते हैं। ये औषधियाँ भी मैं बताने वाला हूँ आगे और ज़्यादा पूरी, ये जबरदस्त आयुर्वेद औषधियाँ होती हैं। हम योग, अच्छा, आयुर्वेद स्वामी जी, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ऐसी बीमारियां जो आदमी के जिंदगी को दर्द से भर देती है उनको हम एक दिन में ही कंट्रोल और एक सप्ताह में तो बीमारी दूर।
अच्छा स्वामी जी, जिनको अल्सर होता है उन्हें जलन की तो शिकायत होती होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गैस भी परेशान कर रही होती है। तो जो बातें, जो दवाएं आप बता रहे हैं वो, और ख़ासतौर से जो योगाभ्यास आप कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्या उनसे गैस का भी साथ में ही ट्रीटमेंट, इलाज हो रहा है या उसके लिए कुछ अलग करना है? अब जैसे ये आसन करते हैं ना, गौमुख आसन, हुसैन भाई जी, ये करते करते गैस को दूर कर देता है। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गौमुख आसन, आगे हम बताएंगे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसा स्पर्शासन, ये गैस को भी दूर कर देते हैं, एसिडिटी को भी दूर कर देते हैं, इंडाइजेशन को भी दूर कर देते हैं। किसी की नाभि धरण पिछोटी खिसक जाती है, ये छोटी छोटी बातें हैं, और पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। खाया पिया कुछ हजम ही नहीं होता है, खाते ही उल्टी होती है, लोगों को उल्टी लगती है, किसी को दस्त लगते हैं, फिर किसी को गैस बनती है, हाजमा ठीक नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर में कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है, और अंदर पूरे घाव हो जाते हैं, वो भी भर जाते हैं। तो आराम आराम से करें। और एक बात और कह देता हूँ, जिनको ये प्रॉब्लम है वे धीरे धीरे कपाल भाती पूर्वक करें तो अंदर से आते एक्टिव हो करके अंदर से अपने आप घाव को हील कर लेती है। स्वामी जी, कई लोगों में एसिडिटी या इस तरह की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें गले में भी जलन या सीने में जलन महसूस होती है, क्या उसका भी यही इलाज है? हाँ, जैसे हमने ये सारे उपाय पहले बताए, शीशम पीपल बेल का इलाज, दूधी का, संजीवनी का इलाज, फिर मैंने ये आपको अनार से लेकर के तक्र से लेकर के तक्र कल्प करा देते, सारी चीज़ें बंद करा करके दूधी कल्प करा देते, और ऐसे लौकी का कल्प, फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समस्या तो मोती पिष्टी आधा आधा ग्राम चटा देते हैं शहद के साथ। मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, मोती की जो अब शुरू में हमने बताया था ना, मोती को घोट करके तैयार करते हैं मोती पिष्टी, और ऐसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो आविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये देने से एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन तीनों दूर हो जाते हैं। आविपत्ति कर 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 2 से 4 ग्राम, मोती मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी ये 2 से 4 ग्राम, तो ये मिला करके और दो दो तीन तीन ग्राम खिला देते हैं तो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन सब दूर। अब 5 आसन बता रहा हूँ, और 5 आसन बताते बताते एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बेल का आज मुरब्बा भी बताएंगे, जिनको बहुत दिक्कत होती थी बेल का पाउडर और बेल का शरबत, बिना किसी चीनी और बिना मिश्री कोई कोई भी चीज़ मिलाए, खाली बेल को पानी में मिला करके पी ले, कोई स्वाद के लिए थोड़ी पी रहे, स्वास्थ्य के लिए पी रहे, तो बेल बहुत ज़बरदस्त होती है। आज बेल का व्यंजन भी बताने वाले हैं हम, बेल का मुरब्बा। अब उसी का इंतजार रहेगा स्वामी जी, अब आपने बेल के मुरब्बे का जिक्र कर दिया है। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवालों की भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हमारा जो विषय है और उस परेशानी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। सबसे पहले तो दीपा गोहिल हैं, वो आपको प्रणाम कर रही हैं, और वो लिखती हैं कि उनकी बेटी है 12 साल की, उसे पेट में दर्द की बहुत शिकायत रहती है, आंतों में उसके सूजन है, और डॉक्टर उसे उस बीमारी जो है उसको नाम देते हैं मेसेंट्रिक लैम्फोनाइटिस, और वो चाहती हैं कि आप उनकी बच्ची के लिए कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे उनकी बच्ची अच्छी हो जाए। आसन तो जो हमने मंडूक आसन से शुरू करके, और अब ये पवन मुक्तासन, और अब उत्तान पादासन, लोकासन, और इसके बाद सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, नासा स्पर्शासन का एक क्रम है, ये पूरा करें, और अपनी बेटी को वो दूध, घी, मीठा सब बंद कर दें। उनको सुबह ही जैसे 4-5 बजे उठते हैं तो उठ करके दही जमा दें, और करीब 4 घंटे में दही जम जाता है। सुबह 5 बजे दही जमाएंगे तो 8-9 बजे तक दही जम जाएगा, या दोपहर को जमाएंगे तो सुबह जमाएंगे तो दोपहर तक वो काम आएगा। फिर तो 4 घंटे का जमा हुआ दही, ज़्यादा पुराना दही खट्टा हो जाता है, वो काम नहीं आता है। वो जो है उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और वो कोलाइटिस को, अल्सर को दूर करते हैं। ज़्यादा खट्टा दही होगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा, ये ध्यान रखें। फिर अगली बात, उनको
जो अभी कुटजारिष्ट कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी बता रहे थे उसके साथ साथ 50 ग्राम बिलवादी चूर्ण, 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण और उसमें 10-10 ग्राम शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति और 2-4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके दे दें तो उनकी बेटी का ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, वो आंतों की सूजन, आंतों के घाव, आंतों की निष्क्रियता, ये सारी दूर हो जाएगी। और एक एक मिनट, पहले दिन तो आधा ही ढाई मिनट हो पाएंगे, बाद में एक एक मिनट ये आसन कराएं और अभी प्राणायाम भी बताने वाले हैं। तीखी तली हुई चीजें सब बंद कर दे, बस इतना ध्यान रखें जी। तो ये अब करेंगे तो उन बेटी को जरूर फायदा हो जाएगा जो अभी बताया। अभी नौकासन बता रहे हैं आप। चलिए स्वामी जी, अब दीपा गोहिल की बेटी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, आपने उनका उनके लिए इलाज बता दिया है। लेकिन अब एक और सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अंतरिक्ष माथुर हैं, वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी माँ जो है पिछले 8 महीने से IBS यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की शिकायत से जूझ रही हैं। उनकी माँ को साल 2014 में ब्रेस्ट कैंसर भी हो चुका है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय है? देखो अब वापस आ जाते हैं, एक एक मिनट आधा आधा मिनट करके उत्तान पादासन लोकासन और अब सेतु बंधासन करते करते IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए जो औषधि तो अभी मैं बता चुका हूँ वही करें। अच्छा। अनार का जरूर प्रयोग करें, वो अनार सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा लें और बेल का पाउडर, बेल का मुरब्बा ही सेवन करें। अंजीर, अंजीर जो है बहुत अच्छा होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, अंजीर का सेवन करें। और ये जो ठंडे गर्म पानी की पट्टी जो बताई और मिट्टी की पट्टी घर में ही बना करके मिट्टी की पट्टी, चिकनी मिट्टी ले लें, उसको अच्छे तरह से घोट करके और उसकी करीब 1 इंच मोटी पट्टी बना लें और उसको पेट के ऊपर रख दें जैसे रखी हुई है यहाँ पर। तो ये मिट्टी की पट्टी और ठंडे गर्म पानी की पट्टी ये लगा करके, ये पानी वाला ठंडे गर्म पानी का सेक भी आंतों को बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, ये इलाज है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, नहीं तो, और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का IBS का, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जो है क्रोन्स डिजीज भी बोलते हैं उसका भी यही इलाज है जो अभी हम बता रहे हैं। ये सेतु बंधासन भी 1 मिनट तक करें और पादांगुष्ठन आश्वास प्रशासन 1 मिनट करें, फिर बैठ करके मैं प्राणायाम बताता हुआ आपके अगले प्रश्न ले लो उनका भी उत्तर। जी जी स्वामी जी, तो अंतरिक्ष की माँ भी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, जो आपने उपाय बताए उसको वो अपनाएंगे। हैदराबाद से मंजू नाइक का सवाल है कि वो पिछले 7 सालों से माउथ अल्सर, मुंह के अल्सर से परेशान है, मुंह के छालों से परेशान है। उन्होंने स्वामी जी तीखा खाना, मिर्च खाना भी सब छोड़ रखा है, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो आसन अब पूरे हो गए जी, अंत में थोड़ा सवासन करके बाएं करवट लेट जाए। अभी मैं आपको अल्सर का उपाय बताता हूँ। देखो अल्सर होता है, एक तो पेट का अल्सर हो गया, एक मुंह का अल्सर। अल्सर कब होता है? जब पित्त बढ़ जाता है। हमारी 3 मूल प्रकृतियां वात, पित्त और कफ। तो पित्त की विकृति, पित्त ज्यादा बढ़ने से, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब मुंह में छाले ठीक करने हैं तो पहले पेट की गर्मी ठीक करनी पड़ेगी। पेट की गर्मी के लिए मैंने मिट्टी पानी की पट्टी से लेकर के और अलग अलग प्रकार के उपाय बताइए मोती पिष्टी तक। अब मोती पिष्टी आधा ग्राम पानी में डाल करके पी लें, अंदर की पेट की सारी गर्मी खत्म। शीशम बेल के और जो है पीपल के पत्ते, अब पीपल का तो पेड़ ही इतना बड़ा हमारे यहाँ, ये इतना बड़ा पेड़ है। अब ये लोगों को पता नहीं कि पीपल की लोग पूजा करते रहते हैं, खाली पानी पानी डालते रहते हैं पीपल में। तो पीपल के पत्तों का पानी पियो, पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, वो शिवजी पर ही मत चढ़ाओ खाली। बेल के पत्ते शिवजी पर चढ़ाते रहते हैं, पीपल में पानी डालते रहते हैं और जो है अलग अलग प्रकार से शीशम के पेड़ के नीचे बैठते, बोले इसकी छाया बड़ी ठंडी होती है, गांव के लोगों की भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन इनके औषधीय प्रयोग है जो लोगों को नहीं पता था। तो ये जो मैंने शुरू से जो प्रयोग बताए ये पेट की गर्मी खत्म कर देते हैं और फिर भी मुंह के लिए अलग भी बता देते हैं। जैसे गेंदा होता है, गेंदे का फूल तो सुगंध थोड़ी आती है, उसमें मंदिरों आदि में भी चढ़ाते हैं, लेकिन गेंदे के जो पत्ते हैं मुंह में चबा लो, एकदम से मुंह का अल्सर ठीक हो जाता है। अरे वाह। और
ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम तो मैं बता रहा हूँ, साथ में एक मैंने उपाय बताया हुआ है, नीला थोथा बाजार से ले ले, उसको तवे पर भून ले, उसकी भस्म बन जाती है, उसमें बराबर का गैरू पाउडर मिला दें, गैरिक पाउडर बोलते हैं, गैरू का पाउडर, जिससे साधु लोग कपड़े भी रंगते हैं। अब उसको छाले की जगह लगा दिया और पानी बाहर डाल दिया, एक मिनट के अंदर छाला ठीक, लेकिन वो होगा नहीं, पूरे मुंह में पूरा ऐसे उसको घुमा करके कुल्ला बाहर कर दे, करीब दो मिनट तक लार बाहर निकाल दे, लेकिन दोबारा ना हो इसके लिए जो मैंने प्रारंभ में ही बताया था, लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, ये जूस पिए। आज और भी सारे उपाय जो आज हम बता रहे हैं, संजीवनी घास दूधी का जूस पिए, भस्त्रिका कपालभाति करते करते। एक सवाल और है स्वामी जी, और भी बहुत कुछ मुझे बताना आप और पूछ लीजिए दो चार प्रश्न जी। वडोदरा से रचना पूछ रही है कि उन्हें 2 साल से पेट में अल्सर था, इलाज के लिए बैंक की नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी, लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि दवाइयों की वजह से अल्सर पॉलिप्स में बदल गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? अब देखो ये जो अभी मैं पूरा इलाज बता चुका हूँ, ये एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए, क्रोन्स डिजीज के लिए, सबसे पहले शुरुआत होती है आमाशय से, जिसको स्टोमक बोलते हैं, उसके बाद बात चली जाती है आंतों तक, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर नीचे तक एनस तक बात चली जाती है, तो पाइल्स फिसर फिस्टुला हो जाता है, और इसका असर फिर लीवर पर होता है, तो फिर लीवर भी कमज़ोर पड़ जाता है, पहले जॉन्डिस होता है, फिर सोराइसिस हो, लीवर सीरोसिस होता है, फैटी लीवर होता है, बाद में हेपेटाइटिस हो जाता है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये चीज़ें। तो ये जो उपाय हमने शुरू से बताए, इन उपायों को पूरा करें, और मैं कह रहा हूँ नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, एक सप्ताह यहाँ मेरे पास योगा ग्राम में आ जाइए, हम योग और नेचुरोपैथ का जो पूरा ट्रीटमेंट, मैं खान पान में पूरा चेंज करा दें, 90% पकी हुई डाइट बंद करा देते हैं, उनको कच्ची सब्जियों का जूस, उबली भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और कुछ ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का रस पिलाते हैं, थोड़ा उपवास भी करवाते हैं, और कितना ही भयंकर से भयंकर अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, 100% ठीक हो जाता है। कपालभाति जोर से ना करें, ये सबके लिए मेरी हिदायत है, कपालभाति ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। तो उनकी नौकरी भी दोबारा से वो कर सकेंगी और उनका पेट भी पूरा अच्छा हो जाएगा। बस ये जो बताया है अभी तक मैंने, इसको पूरा 100% वो पालन करें और कोशिश करें अंकुरित अन्न लें, दूधी की का जूस, दूधी का सूप, हरी सब्जियां और फल, सलाद, इसके ऊपर पूरी ट्रांसफर हो जाए, पका हुआ खाना बंद कर दे टोटली, 100% कुछ दिन तक बंद कर दे, ज़रूरत ही नहीं। कुछ कहेंगे कि जी एकदम बंद करते हैं तो थोड़ी गैस आदि बनती है, तो थोड़ा सेंधा नमक ले लें, और कुछ लोग बताते हैं कि मिर्ची से भी अल्सर दूर होता है, ऐसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल गुरु को सर्च करते हैं तो वहाँ पर लोग खोजते रहते हैं, वो नहीं। देखो ये मिर्ची है, ये आप सोच रहे होंगे आज स्वामी जी ने कौन सा एक फैंसी सा पौधा लगा रखा है, ये तो बहुत तीखी वाली मिर्ची है, मिर्ची यदि कोई ऐसे खा ले ये उधर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में, पहाड़ी प्रदेशों में होती है, हमने उत्तराखंड में लगवा दिए पूज्य आचार्य बाक्ष जी ने एक मिशन के तहत किसानों से, तो ये इसका नाम ही होट चिली रख रखा है। लेकिन एक खास बात बताता हूँ इसकी, जिनको एसिडिटी है, जिनको अल्सर है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो मिर्ची खाएंगे तो बहुत पछताएंगे, ऊपर नीचे तक जलन हो जाएगी और पूरा आंधी और तूफान आ जाएगा, लेकिन ये ऐसी है, स्वाद पूरा मिलता है। और इससे खास बात है कि जिनको एसिडिटी है, जिनको अल्सर है, जिनको पाइल्स फिसर फिस्टुला, वो भी इसको थोड़ी मात्रा में इसको भिगो करके थोड़ा इसका पानी ले सकते हैं, या इसका देखो हमने इसके सॉस बना रखे हैं, इसका पानी हल्का सा लिया, मिर्ची का स्वाद पूरा मिल गया और नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करने से ये औषधि का काम करती है। लेकिन जो नॉर्मल लाल मिर्ची है वो हम भी देते हैं, वो रेड चिली नहीं खानी, ये वाली चिली का प्रयोग करना है, ये
और मैं तो कहता हूँ ये लाल मिर्च का भी स्वस्थ विकल्प है और ऐसी डीटी वाले अल्सर वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बात बता दी। और ये कंफ्यूजन स्वामी जी ये है कि लोग कहते हैं कि सीने में अगर जलन हो रही है तो दूध पी लीजिए वो ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं कि दूध के बाद जलन होने लगती है, तो दूध को लेकर अल्सर के रोगियों में जो कंफ्यूजन है उसे भी आप दूर कर दीजिए। तो दूध एक तो फ्रीज वाला ना पिए, लोग फ्रीज का दूध पीते हैं तो दूध सच में एसिडिटी को ठीक करता है। पहली तो उसकी मात्रा 200 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और गाय का दूध हो तो बेहतर होगा, क्योंकि भैंस का दूध वात पित्त और कफ ऐसे त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है, त्रिदोष नाशक होता है गाय का दूध बकरी का दूध। तो दूध यदि धारोष्ण हो, जैसे कई बार मैंने वो मजाक की बात नहीं है, जैसे वो धार से हम मुँह में पी लेते हैं वो ऐसा सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुरंत निकाला और तुरंत ठंडा ठंडा दूध पी लिया, और यदि पायल्स भी है तो एक नींबू निचोड़ करके ठंडे दूध में एक कप दूध में सुबह सुबह पी लो, पायल्स फिसर फिस्टुला अल्सर तक उससे घाव तक भर जाते हैं, दूध फट जाएगा। लेकिन ठंडा दूध फ्रीज का ना पिए। हाँ फटेगा नहीं, ठंडे दूध में जब नींबू डालते हैं फटता नहीं है, वो तुरंत पी जाते हैं तो अंदर जा करके उसका एक रासायनिक उसकी द्वारा प्रतिक्रिया होती है और घाव हील हो जाता है उससे। अब अगली बात, दूध गर्म करके और थाली में डाल दे, पंखा चला दे, 2 से 3 मिनट में, अभी सर्दियों में तो 2 ही मिनट में एकदम ठंडा हो जाएगा, वो दूध पिया करें, गर्म करके थाली में ठंडा करके पिए। तो कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम, ये भी उपचार है अल्सर का। अच्छा स्वामी जी, अल्सर जिन्हें होता है उनको अक्सर ब्लीडिंग की भी समस्या हो जाती है, खून की कमी भी होने लगती है, ऐसे में आज आप कौन सी संजीवनी बताने वाले हैं, कौन सी ऐसी औषधि बताने वाले हैं जिससे एक दिन में ही ऐसे लोगों की ब्लीडिंग रुक जाए? मैंने लेते ही 1 घंटे के अंदर, दिन तो लंबा होता है, 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग बंद। तो एक तो घर जो औषधीय उपचार है, नाग केसर 100 ग्राम, उसमें कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला लें। नाग केसर जो है एक फूल जैसा होता है और उसके अंदर ये जो मैंने बताया कहरवा पिष्टी और मोती पिष्टी मिलाकर के खाते हैं तो उससे ये अल्सर दूर होता है। दूसरा अब जो है एक हैंड माइक दे देंगे आपको, जो आपने पूछा घरेलू उपचार वो भी बता रहे हैं। ये हमारे इन भाइयों को तो पट्टी रखी गई है, अब आधा घंटे बाद इनकी पट्टी हटा दी जाती है और इनका पेट अब एकदम ठंडा हो चुका है, अंदर से हील हो रहा है वो पूरा। तो ये सभी जिनको ठंडे गर्म पानी की पट्टी की गई है ये अल्सर के लिए, ये तो आप देख ही रहे हो। अब मैं अगला उपचार बता रहा हूँ आपको, अगला उपचार है वो घास लेकर के आओ भाई, संजीवनी घास। स्वामी जी ठंडी और गर्म पट्टी क्या अल्टरनेट लगानी है, कैसे करना, कैसे है? करना ऐसे है कि ये 5 मिनट तक ठंडी पट्टी, 5 मिनट तक फिर गर्म पट्टी, ऐसे चेंज करते रहना है। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में 10-10 मिनट पर 10 मिनट ठंडी और फिर 10 मिनट गर्म पट्टी। और जिनको अल्सर है उनको गर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ठंडी पट्टी आइस वाली पट्टी ऐसे लगा करके ऊपर से सूखा कपड़ा बांध करके उसी में आग उबल रहा होता है और उसे ऊपर से कुछ गर्म जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए अब आपका पसंदीदा मुरब्बा बनने जा रहा है मीनाक्षी। तो हाँ अब देखो ये बेल जो है दो तरह से, एक तो बेल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसको एक बार स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के बाद में अब इसमें तो छेद करने की जरूरत नहीं, इसमें तो नेचुरल छिद्र होते हैं, फिर भी किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो अंदर इसमें छिद्र भी कर सकते हैं और छिद्र करके और फिर इसको स्टीम करके और इसको चाशनी में, चाशनी हमने बनाई है ये मधुरम में, चीनी की चाशनी हम नहीं प्रयोग करते। तो ये जो है नेचुरल चीज़ें है ना ये बड़ी अच्छी होती है, फिर इसी से हम ये बेल की कैंडी बनाते हैं। इसी को क्या करते हैं, इसी को सुखा देते हैं, तो सुखा देते हैं
तो ये ऐसी प्लेट दो, तो ये ऐसी ऐसी तैयार हो जाती है। ये बेल स्वीट जो है ये बहुत अच्छी होती है। अब जो है लोग जो है जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, जिनको तो जिनको कोलाइटिस होता है, उनको भी मीठा तो खाना ही है, वो मीठा खाएंगे। हाँ, ये नेचुरल स्वीट है एकदम। अब ये ऐसी तैयार होगी। अब इसको पका करके अच्छे से धीमी धीमी आंच के ऊपर, और फिर जो है इसको धूप में सुखा लेते हैं हम तो, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना पड़ता है इसलिए ड्राई में सुखानी पड़ती है, और क्योंकि कहीं धूप में कहीं मिट्टी गर्दा ना लगे, तो ऐसे घर में बालकोनी में कहीं पर भी इसको धूप में सुखा लें फिर। और एक खास बात और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा स्वामी जी, ये जो बेल आप बता रहे हैं ये आमतौर से वही बेल है जिसका हम शरबत पीते हैं, कुछ लोग पत्थर बेल भी कहते हैं उसको, या कोई और चीज है ये? हाँ, वो बेल लेकर क्या हो बेटा उधर से बोले क्या लेकर। तो ये वही बेल है जो बेल पत्र जिसको कहते हैं, ये हमारे यहाँ कुछ ऐसी बेल है जो 12 महीने फल देती है। जी तो जी जी, ये उसी बेल के मैं पत्ते भी बता रहा था, बेल शीशम और पीपल के पत्ते। इसी बेल को अब हमने क्या किया, इसी बेल को हमने ऊपर से इसका छिलका उतार दिया। ये तो दूधी है, दूधी घास, संजीवनी घास, इसको काट लो बेटा, काट करके इसका जूस बनाओ। अब ये इस बेल को ऐसे हमने ऊपर से काट दिया। अब इसको ऐसे, और अब इसका ऐसे इसके पीस बना देते हैं, ऐसे ऐसे इसके पीस बना देंगे। और ये पीस बना करके इसको थोड़ा सा जो है, लेकिन स्वामी जी हमने जब इसको स्टीम कर लेंगे, जब भी मैंने बेल देखा है तो वो उसको इस तरीके से कभी नहीं निकाला जैसे आज आपने दिखाया है। ये मैं बहुत यही सोची थी, मैंने हमेशा इसका शरबत बनाया और किसी तरीके से गूदा जो है चम्मच से खींच खींच के निकाला है। इस तरह के पीसेस बहुत अनोखा लग रहा है मुझे देखने में। ये मैंने भी कभी नहीं किया उसे। ये क्या कच्चा है, कच्चा बेल है स्वामी जी? इसको स्टीम करके, ये कच्चा बेल है जी, और इसको फिर स्टीम करके और फिर ऐसे डाल दें ऐसे, और फिर इसका ये जो मुरब्बा हम देते हैं ना, बेल का मुरब्बा, वो बेल का मुरब्बा फिर तैयार हो जाएगा। ये बेल का मुरब्बा घर में बनाने का तरीका हमने बता दिया है। जी जी, इसको खोलो बेटा। स्वामी जी, पराली जलाने की शुरुआत हो चुकी है और खतरा जो है अलग अलग सूबों से दिल्ली तक आ रहा है, बड़े शहरों तक आ रहा है। दिल्ली NCR की तो ये हर साल की समस्या है। अब इधर तो इसका जूस बना रहे हम, दूधी का और संजीवनी घास का। ये तो आप बड़े बड़े बेल आप देखते हो ना, ये मुरब्बा ये ऐसे तैयार करते देखो। अब ये पतंजलि का क्यों खरीदना भाई, घर में बना लो। और फिर भी कोई जो आलसी जीवात्मा है या जिनको ये सुलभ नहीं है उनको हम उपलब्ध करवाई देते हैं। तो भाई देखो कितना बढ़िया है। अब मीनाक्षी जी कहेंगी इसको तो स्वामी जी मेरा खाने का मन कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आलसी जीव आत्मा मत बनिए, बना के खाइए। और जो है ये इधर जूस ऐसे तैयार करते हैं इसका, इसको घोट देते हैं, और घोटने के बाद में थोड़ा सा पानी डालते हैं मामूली सा, और थोड़ा सा पानी डालने से ही इसमें अपने आप ये फिर देखो ऐसे हरा हरा जूस निकलता है इसका। और ये हरा हरा जूस, अब ये जो इसमें एक दो बच्चे ऐसे ए चुटकू इधर आ, उसको छोटे से बच्चे को सबसे पहला ही है, इसको इतना भयंकर इसको पिला रहे हैं, बस इसको इतना भयंकर अल्सर है, छोटा सा बालक है इसका। स्वामी जी, मोती पिष्टी का जो रहस्य है वो अभी तक खुला नहीं है आज के कार्यक्रम को, वो उसकी पैकेट खोल कर दिखा दीजिए एक बार जरा दर्शकों को। अरे तो ये जो छोटा सा बच्चा है, बैठ, इसको भयंकर अल्सर, ये तेरा अब जूस आ गया, अब तेरे इसको रोज खून आता है, बाद में लैट्रिन आती है पहले खून। और ये मोती पिष्टी ऐसी होती है, तो उसको तैयार कर लेते हैं। सामान कहाँ लेके चले गए, चाकू आदि सब? तो देखो
ये ऐसी होती है मोती पिस्ती। पाउडर ये तो ओह कैरवा पिस्टी। हाँ एक जो मैं बता रहा था ना कैरवा पिस्टी जो एकदम से दूर हो जाता है जिसे ब्लीडिंग लेते ही, ये तो कैरवा पिस्टी है और ये है मोती पिस्टी। ये मोती पिस्टी है, ये कैरवा पिस्टी और मोती पिस्टी ये दोनों अभी इस लड़के को ही मिला करके दे रहा हूँ। ये मोती पिस्टी है एकदम सफेद सफेद, ये ऐसी ऐसी। तो इसे पानी के साथ लेना है ना स्वामी जी? तो बहुत बहुत प्रणाम। हाँ ये पानी के साथ ले लेना घोल करके आधा ग्राम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। साथ में मिला करके ले लेंगे तो अल्सर दूर।